और बात करेंगे तो सबसे पहले हम बात करते हैं सस्पेंशन ब्रिज में होने वाली चीजों की तो सस्पेंशन ब्रिज सबसे पहले यूज जो होने वाली जो मेजर कंपोनेंट है बेसिकली सस्पेंशन ब्रिज बात करें तो कुछ इसको दूसरा नाम बोलते हैं केबल स्ट्रीट ब्रिज तो अगर मैं यहाँ पर अगर बनाऊ लेआउट सिंपल सा सो so, कुछ इस तरीके सा हमको ब्रिज देखता है दिस इज कॉल्ड सस्पेंशन ब्रिज और इस ब्रिज में ये जो ये जो बेसिकली आपको ये इंक्लाइन और जिस जो जो पार्ट दिख रहा है ये केबल होती है ठीक है अब केबल हम सस्पेंशन ब्रिज पढ़ने से पहले केबल क्यों पढ़ रहे हैं तो उसके बारे में समझ लेते हैं क्योंकि इसका मेन काम सस्पेंशन ब्रिज में मेन काम केबल का ही होता है केबल में खासियत होती है कि केबल या आप बोल सकते हैं वायर केबल वायर से मिलकर बनी होती है वो केबल टेंसाइल फोर्स ले सकती है कोई बेंडिंग मूवमेंट नहीं ले सकती और हम ये पढ़ चुके हैं आर वगैरह में कि बेंडिंग मोमेंट नहीं लेने या बेंडिंग मोमेंट के रिडक्शन से काफ़ी हद तक लोड को इंक्रीज किया जा सकता है मीन्स बेंडिंग मोमेंट अगर किसी में नहीं आ रहा है तो हम मैक्सिमम लोड उसमें अप्लाई कर सकते हैं विद द मिनिमम क्रॉस सेक्शन एरिया ओके आओ अब सस्पेंशन ब्रिज में कुछ इस तरीके से यूज किया जाता है इस केबल को कि इसमें आने वाला लोड सही तरीके डिस्ट्रीब्यूट हो जाए और एक सेगिंग दे मीन्स यहाँ पर एक सेगिंग आपको दिख रही होगी जो जो मैक्सिमम चेकिंग होती है वो लाई करनी चाहिए एल बाई फिफ्टीन से लेके एल बाई टेन तक जहाँ एल बेसिकली इस डैक की या इस इस डैग का स्पान होता है दिस इज हम आगे इसको डिप भी तरीके से बात करेंगे ठीक अब यहाँ पर ये यह देखा जाता है कि जितनी ज़्यादा डिप होगी डिप का मतलब है कि ये जो वर्टिकल डिफॉर्मेशन है हॉरिजॉन्टल लेवल और जो मैक्सिमम डाउनवर्ड पॉइंट जो केबल का होता है उसको बोलते हैं डिप इसको थोड़ा सा बड़ा करके हम समझते हैं तो ये मैक्स ये हॉरिजॉन्टल लेवल हो गया और ये हमारे पास हो गया सेंट्रल डिप मतलब तो बॉटम मोस्ट पॉइंट और ये कहता है डिप ठीक तो जितना मैक्सिमम डिप होगा हमारे पास उतनी ही ज़्यादा टेंशन रजिस्ट करने की क्षमता होगी केबल की ऐसा क्यों क्योंकि जितना ज़्यादा डिप होगा उतना ही कम वो बेंडिंग मोमेंट को रजिस्ट करता है उतना ज़्यादा वो टेंशन ले सकता है या सीधे तरीके से बात करें हम यहाँ पर जो लोड है लोड को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं केबल में इन द फॉर्म ऑफ टेंशन ठीक है और हम जानते हैं कि बेसिकली ये जो केबल्स होती हैं वो डायल मटल की बनी होती है जो टेंशन अच्छी तरीके से कैरी कर पाती है ठीक अब ये फ्लैक्जीबल होता है तो केवल टेंशन लेती है और कुछ नहीं बेंडिंग उमेंड नहीं रेस्ट कर सकती या नहीं ले सकती ये हम समझते हैं ठीक अब हम कंपोनेंट के बारे में बात करेंगे और अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करेंगे ठीक है नाउ नाउ कंपोनेंट से पहले एक चीज समझ लेते हैं कि केबल के साथ साथ कुछ दूसरी चीज़ों की भी जरूरत पड़ती है हमको अपने सस्पेंशन ब्रिज में ऐसा क्यों ये हमारे पास एक लेआउट है एक ड्राइंग है सस्पेंशन ब्रिज की बेसिकली ये हमारे पास ये जो कंपोनेंट है ये केबल है ये हमारे पास केबल है यहाँ तक पूरे तक गई हुई है ठीक ये पायलन है इसको हम फाउंडेशन या बेसिकली पायर भी बोलते हैं और जो एंकर है जो अल्टीमेटली जो केवल किसी एक डिजिट एक जगह पर हम उसको एंकर करना पड़ता है अब यहाँ पर बहुत सारी प्रोफाइल आपको दिख रही होंगी सबसे पहले हम प्रोफाइल देखेंगे जिसमें कोई भी लोड नहीं अप्लाई हो रहा है तो आपको कुछ इस तरीके से प्रोफाइल मिल रही होगी सेगिंग पैराबोलिक सेप की ये वाली जिसमें एरो भी दिखाया गया है ठीक इसको लाइन बनाने नहीं है वैसे ठीक तो ये बेसिकली आपको जो प्रोफाइल दिख रही होगी इसमें कोई भी लोड नहीं लग रहा है कोई भी लोड नहीं लग रहा है तो हमको एक यूनिफॉर्म सेफ देखने को मिल रहा है बट अगर हम लोड अप्लाई कर रहे हैं अपने सस्पेंशन ब्रिज में तो लोड अप्लाई करने का उसका जो सेफ है वो अलग अलग तरीके से बन गई जैसे डब्ल्यू वन में हमारी सेप कुछ इस तरीके डब्ल्यू टू में कुछ इस तरीके डब्लू थ्री में कुछ इस तरीके की है अब दिक्कत क्या है अलग अलग लोड पोजीशन के होने कांड केबल की शेप अलग अलग हो जाती है और केबल में जो लोड का डिस्ट्रीब्यूशन है वो सही तरीके से नहीं हो पाता सो लोड के डिस्ट्रीब्यूशन को सही तरीके से करने के लिए हम एक और चीज़ को इंट्रोड्यूस करते हैं जिसको बोलते हैं जिसको बेसिकली बोलते हैं हम सस्पेंडर्स या हैंगर्स ठीक इसके बारे में बात करेंगे अभी ठीक है तो सस्पेंडर्स uh, या हैंगर्स ठीक इसको इंट्रोड्यूस करते हैं वो बेसिकली वर्टिकल मेम्बर्स होते हैं हमारे पास अगर हमारे पास रोप है तो कुछ इस तरीके से केबल्स होती हैं जो इन लोड को डिस्ट्रीब्यूट करती है एक तरीके से ठीक अब अल्टीमेटली ये लोड कहाँ जाना है अल्टीमेटली इस लोड को जाना है डैक पर ठीक डैक पर और डैक हम अगर फ्लेक्सिबल बनाते हैं तो दिक्कत क्या होती है कि बहुत सारी सेगिंग या बहुत सारी वर्टिकल डिफॉर्मेशन आ जाता है देखो अगर हम लोड की पोजिशन चेंज कर रही है कर रहे हैं तो जो मिनिमम पोजीशन है मीन्स मिनिमम ये है और मैक्सिमम ये है तो इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है बहुत ज़्यादा हो जाती है या बोल सकते हैं जो वर्टिकल डिफॉर्मेशन है ब्रिज में बहुत ज़्यादा हो जाता है वर्टिकल डिफॉर्मेशन ज़्यादा होगा मीन्स वो एक तरीके से झूलने लगेगा झूलने से दिक्कत क्या आएगी कि ये फेलियर की चांसेस भी बढ़ सकते हैं तो हम उसको कम करने के लिए हैंगर्स का यूज़ करते हैं सस्पेंडर का यूज़ करते हैं और अल्टीमेटली ये लोड डैग पर जाना है मीनस डैग से लोड ट्रांसफ़र होना है तो डेक को हम सिंपल कंक्रीट का ना बना के या बेसिकली बात करें रिजिड ना बन बेसिकली फ्लेक्सिबल ना बना के थोड़ा रिजिड रखते हैं जिससे वर्टिकल डिफॉर्मेशन कम हो सके और रिजिड बढ़ाने के लिए हम यूज़ करते हैं स्टिफनेस ग्रेडर को ठीक है इवन स्टिफनेस ग्रेडर के बारे में हम प्रीवियस क्लास में थोड़ा सा पढ़ चुके हैं प्रीवियस यूनिट में लेकिन उसके बारे में और अच्छी तरीके से समझेंगे हम स्टिफनेस ग्रेडर भी यूज़ करते हैं तो ये अल्टीमेटली स्टिफनेस ग्रेडर पर जो लोड जो व्हीकल जा रहे हैं उसका लोड लोड हमारा केबल के थ्रू हैंगर और अल्टीमेटली पूरे जो सस्पेंशन ब्रिज है उसमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है और हमारा बेसिकली मैक्सिमम लोड कैरी कर पाता है ठीक इसको हम अच्छे तरीके से समझेंगे आई होप आप लोग समझ गए हो गए के डिफरेंट डिफरेंट पोजिशन पर क्या दिक्कत आती है ठीक है ना अब हम बात करेंगे कंपोनेंट के बारे में ठीक बेसिकली हमारे पास फिगर दिख रहा होगा आपको तो ये एक सस्पेंशन ब्रिज का कंपोनेंट किस है रहे है जिसमें हम धीरे धीरे सभी की बात करेंगे अगर हम आ, अगर हम लेफ़्ट से बात करें सबसे पहले कंक्रीट या रिजिड ब्लॉक या बोल सकते हैं कोई भी हमारे पास कोई भी हार्ड स्टार्टा है उसमें हम अपने केबल को सस्पेंड करते हैं दैट इज़ कॉल्ड एज ए एंकर केबल तो इस इस पोर्सन तक मीन्स यहाँ पोर्सन तक केबल को हम बोलते हैं एंकर केबल ठीक है अब अब एंकर केबल उसके बाद हमारे पास जो वर्टिकल वर्टिकल पायर्स हैं बेसिकली जो अल्टीमेटली सॉयल पे स्टार्टअप पे, बेस रखते हैं और लोड को अल्टीमेटली जो पर ट्रांसफ़र करते हैं उसको बोलते हैं हम पायलन या फिर पायलन या फिर हम बोल सकते हैं इसको या फिर हम पायर्स भी बोल सकते हैं पायल्स भी बोलते हैं अब ये बहुत तरीके हो सकते हैं ये अलग अलग सेब के हो सकते हैं इनका मेन पर्पज़ होता है कि लोड को अल्टीमेटली सॉयल पर रखना या हमारे पास कोई रिवर है तो रिवर बेड पर अल्टीमेटली सॉयल लोड को ट्रांसफर करना दूसरा इसका यूज डेकोरेटिव पर्पज़ के लिए भी कर सकते हैं ठीक फिर हम बात करते हैं ठीक अब ये डेक जो हमारे पास जो पायलन है उनके ऊपर जो पुली लगी हुई है वो दो तरीके की पुली हो सकती है या तो वो गाइडेड पुली हो सकती है या तो हमारे पास साइडर पुल हो सकती है इन दोनों में अलग अलग तरीके से रिएक्शंस निकलते हैं इन दोनों के बारे में बात करेंगे अल अलग अलग रिएक्शन निकालेंगे नाउ ये हमारे पास इस एक पायलन के सेंटर से दूसरे पायलन के सेंटर तक इसको बोलते हैं इफेक्टिव स्पान या सस्पेंडेड स्पान या डैक बेसिकली जहाँ से ओके रोड पास होती है ठीक है ये हमारे पास डैक बना हुआ है जिसको जो बेसिकली स्टिफनेस गडर होता है जिसके ऊपर कार्स वगैरह और जो ट्रैफिक वो पास होता है Now, अब ये केबल हमारे पास पूरे यहाँ तक फैल गई ठीक जैसे कि हमने भी थोड़ी देर पहले बात की थी कि केबल का जो मैक्स मिनिमम पॉइंट होगा केबल के सैगिंग का जो मिनिमम पॉइंट होगा और जो हॉरिजॉन्टल लेवल से जो मैक्सिमम डिस्टेंस होगी दैट इज कॉल्ड एज ए डिप ठीक जितनी ज्यादा डिप होगी उतनी ज़्यादा मैक्सिमम कैरिंग कैपेसिटी होगी उसकी मैरिंग कैपेसिटी होगी आप बोल सकते हो उतना ही तो कम मूवमेंट होगा ठीक ये हमारे पास जो वर्टिकल मेम्बर्स आपको दिख रहे हैं जो वॉयस दिख रहे हैं दैट इज कॉल्ड एज ए हैंगर और सस्पेंडर विच इज़ यूज फॉर द बेसिकली हम इसके यूनिफॉर्म सेफ में रखने के लिए या इसका लोड ट्रांसफर करने के लिए यूज़ करते हैं जो मैंने भी आप बात की ठीक है तो हैंगर से काम होता है इस पर जो लोड आ रहा है वो अल्टीमेटली इस डैग पर या अच्छी तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर सके ठीक है रोडवे पे पुली सपोर्टिंग टावर और इनका ठीक है? अब इन सभी चीज़ों में जो मेन कंपोनेंट होते हैं जो डिज़ाइन परपज़ या जो लोड करें कैपेसिटी या जो बेसिकली कंट्रीब्यूट करते हैं वो कहलाते हैं बेसिकली सस्पेंशन केबल जो हमारे पास मेन मेन जो केबल होती है ठीक दूसरे सस्पेंडर्स जो वर्टिकल मेंबर्स होते हैं दैट इज़ ऑल्सो अ केबल ठीक है तीसरा सपोर्टिंग टावर दैट इज़ कॉल्ड ए सपोर्टिंग टावर दट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ पायलेंस और लास्ट आता है एंकर केबल ठीक है जो हमारे पास अल्टीमेटली यहाँ पर जुड़ती है किसी किसी हार्ड स्टार्टअप है या हार्ड रॉक पर सपोर्ट की जाती है ठीक इन्हीं चारों बेसिकली का बेसिकली काम है बाकी तो हम समझेंगे ठीक तो ये इंट्रोडक्शन पार्ट हो गया बेसिकली एक सस्पेंशन ब्रिज का होता है क्या है अगर आपने बहुत सारे इमेजेस देखी होंगी सस्पेंशन ब्रिज की ऐसे अगर एक इंडिया में एग्जाम्पल नहीं तो छोटा सा ब्रिज बना हुआ है हमारे पास भोपाल में राजा भोज तो सेतु वो भी एक तरीके से सस्पेंशन ब्रिज है जिसमें केबल्स की मदद से लोड को ट्रांसफ़र किया गया है बट वो थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का है वो उस तरीके से नहीं है ठीक है तो आपने बहुत सारी इमेज देखी होंगी बट ठीक नाओ अब हम इन चारों के बारे में थोड़ा थोड़ा समझ लेते हैं सस्पेंशन केबल क्या होती है सस्पेंशन केबल का मेन काम क्या होता है ठीक है सस्पेंशन केबल बेसिकली एक लोड बियरिंग मेंबर है यहाँ पर जो मैक्सिमम पार्ट लोड को प्राइमरी बियर करता है वो अल्टीमेटली डिस्ट्रीब्यूट करता है ठीक देन सस्पेंशन केबल का जो काम होता है वो लोड बियरिंग करके एक यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट करना बेसिकली जो भी एक पॉइंट लोड आ रहा होगा पॉइंट लोड को यूडीएल में कन्वर्ट करना होता है ठीक है इवन ये जो केबल है वो मूवमेंट नहीं ले सकती तो केबल ये टेंशन को एक्वायर करती है ठीक टेंशन को एक्वायर करती है ओके okay? नाउ दूसरे बात करते हैं दूसरे मेन कंपोनेंट की दैट इज कॉल्ड एज ए सस्पेंडर ठीक सस्पेंडर हमारे पास जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो सस्पेंडर कहलाते हैं सस्पेंडर का काम क्या होता है सस्पेंडर का काम होता है कि एक पर्टिकुलर लोड मीन्स ये बोल सकते हैं पार्ट ऑफ अ लोड एक पार्ट ऑफ अ लोड मैक्सिमम लोड हमारा केबल कैरी करती है अल्टीमेटली केबल से एक छोटा सा पार्ट लोड का पार्ट वो इस डेक पर रोड डैक पर ट्रांसफर करता है तो इसका मेन काम होता है पार्ट ऑफ लोड ट्रांसफर टू डेक ठीक है ठीक ये काम बेसिकली हमारा सस्पेंडर का होता है अब हम बात करते हैं थर्ड कंपोनेंट में दैट इज कॉल्ड एज अ सपोर्टिंग टावर अब सपोर्टिंग टावर की बात करें तो जनरली हमारे पास ये एक केबल नहीं होती अगर हम सही तरीके से देखें एक एक सेक्शनल व्यू है या बोल सकते हैं एक एक फ्रंट व्यू है अगर मैं इसको टॉप व्यू या इंक्लाइंड व्यू से देखूं तो ये एक तरीके की केबल दिख रही है इस तरीके से केबल दूसरी तरीके दूसरी तरफ भी होती है यानी कि बोल सकते हैं इसे डैक के दूसरी तरफ होती है मीन्स रोड जो वर्थ होगी उसके एक साइड और दूसरी साइड होगी यानी कि अगर दो रोप हैं तो दो रोप हैं तो यहाँ टावर भी दो दो होंगे तो सिंपल सी बात करें एक जो रोप है या एक केबल है वो दो दो सपोर्टिंग टावर पे सपोर्ट करती है मीन्स इसका जो लोड है वो दो सपोर्टिंग टावर बियर करता है ठीक है तो यहाँ अगर हम बात करें तो ईच केबल सपोर्टेड ऑन टू इस एक केबल ये हमारे पास रही इन दो टावर पे सपोर्ट है इसी तरीके से दो एक केबल होगी जो जो इसके पीछे दो टावर्स पे सपोर्ट की गई होगी ठीक है अब ये टावर्स होते हैं इस टावर्स पर जो पुली लगाई जाती है पुली यानी कि बोल सकते हैं इसका टॉप मोस्ट पॉइंट पर केबल को बचाने के लिए अब ये पुली क्यों लगाई जाती है यहाँ पर सैडल ये क्या होता है बेसिकली अगर हम ये नहीं लगाते हैं इसको फिक्स कर देते हैं तो दिक्कत क्या होती है अगर इसको यहाँ फिक्स कर देते हैं तो जैसे समझते हैं अगर हम टावर पे इसको फिक्स कर देते हैं यहाँ फ़िक्स कर दिया तो फ़िक्स करने से क्या होगा कि जो इसमें मूवमेंट आ रहा है लोड के कारण लोड के कारण से अप एंड डाउन होगी मूवमेंट आएगा मूवमेंट हो नहीं पाएगा क्योंकि फिक्स कर दिए मूवमेंट हो नहीं पाएगा तो केबल के टूटने के चांसेस बढ़ जाते हैं बहुत ज़्यादा तरीके से दूसरी चीज़ कि लोड ट्रांसफर सही तरीके से नहीं हो पाता इसमें अगर इस तरीके से फ़िक्स कर देंगे तो मैक्सिमम लोड यहाँ पर हॉरिजॉन्टल होगा और यहाँ पर ब्रेकेज होने के चांसेस होते हैं पुली इस तरीके से यूज़ की जाती है और फ्रिक्शन भी हो सकता है अगर यहाँ पर फ़िक्स कर दें आप पुली नहीं लगाते हैं तो मैक्सिमम फ्रिक्शन होने के कारण यहाँ से वो ब्रेकेज हो सकती है ठीक अब पुली क्यों लगाते हैं पुली का पहला काम है कि फ्रिक्शन को हद बहुत हद तक रिड्यूस कर देती है पुली का काम है पुली कुछ इस तरीके से लगी होगी पुली आपने देखी होगी ठीक है पुली का काम होता है कि फ्रिक्शन को रिड्यूस करती है और जो जो केबल में डिफॉर्मेशन है केबल में जो खिंचाव उस तरीके को अच्छी तरीके डिस्ट्रीब्यूट कर पाती है अब ये जो मैक्सिमम पॉइंट पे पुली लगाई जाती है वो भी दो तरीके की होती है एक होती है गाइडेड पुली जो बेसिकली हम कुओं में जो कुओं कुओं में जो बाल्टी खींचते हैं जिस पुली से उसको बोलते हैं गाइडेड पुली जिसके ऊपर रोप रहती है और एक कुछ घूमती रहती है इस पॉइंट के अबाउट ठीक दूसरा कहलाता है सैडल पॉइंट या सैडल पुली जिसमें हम बेसिकली रोलर सपोर्ट का अप्लाई करते हैं ये हमारे पास रोलर है और केवल यहाँ पर यहाँ से बंधी हुई है यहाँ से बंधी हुई है यानी कि ये केवल मूव नहीं करेगी बट ये रोलर मूव करेगा ठीक है हमें मूवमेंट चाहिए कैसे भी चाहिए यहाँ क्या है पुली गार्डेड पुली में हमारी केबल मूव करेगी बट सैडल सैडल सपोर्ट में हमारी केबल मूव नहीं करेगी पुली मूव करेगी मीन्स एक हॉरिजॉन्टल ये इस्पान पर ये पुली यहाँ से यहाँ तक यहाँ से यहाँ तक मूव कर पाएगी जिससे डिस्प्लेसमेंट भी सही हो पाएगा लोड ट्रांसफर भी हो जाता है अब इन दोनों में दोनों में अलग अलग केस है मीन्स यहाँ पर जो रिएक्शंस प्रोड्यूस होंगी वो इन दोनों में अलग अलग बेसिस से प्रोड्यूस होंगी उनके हम बारे में बात करेंगे आगे ठीक है तो ये काम हो गया हमारा इस सपोर्टिंग स्टाफ का और उस पर लगने वाले ऊपर सपोर्ट पर ठीक है फोर्थ फोर्थ बेसिकली हमारे पास आती है एंकर केबल यानी कि केबल वही होती है बस इस सपोर्टिंग टावर के बाद वाला जो पार्ट है उसको बोल देते हैं एंकर केबल क्यों बोल देते हैं क्योंकि ये एंकर होती है किसी कॉन्क्रीट ब्लॉक पर या फिर कोई हार्ड स्टार्टर रॉक पर हमारे पास कोई रॉक है तो वहाँ पर इसीलिए जो तो सस्पेंशन ब्रिज है वो केवल उन्हीं जगह पर अप्लाई किया जाता है जहाँ पर वहाँ पर हार्ड स्टार्टा या हार्ड हार्ड रॉक प्रेजेंट होती है क्योंकि ये पॉइंट कभी भी अप्लाई नहीं हो पाएगा ठीक है ना तो इसका मेन पर्पज़ होता है तो ये तो हो गया हमारे कंपोनेंट एक तरीके से कंपोनेंट हमारे आ, आ, एक, एक आ, एक कंपोनेंट हमारे एक सस्पेंशन ब्रिज के अब हम बात करते हैं पायलन से होने वाले जो केबल गुजरती है वो अलग अलग सपोर्ट्स होकर गुजरती है जैसे मैंने बात की थी कि एक होती है गाइडेड गाइडेड पुली और दूसरी होती है सैडल प्लेस ठीक है शेडल बेसिकली और दोनों अलग अलग तरीके के रिएक्शन प्रोड्यूस तो करते हैं दोनों अलग तरीके से कौन कौन से रिएक्शन प्रोड्यूस करते हैं उनके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं बात कर लेते हैं तो पहले हम बात करते हैं गाइडेड पुलिस सपोर्ट पे तो गाइडेड पुलिस सपोर्ट पे हमारे पास ठीक है गार्डियन पुलिस सपोर्ट की बात कर लेते हैं तो इसको एक ओके पीछे कोई दिक्कत नहीं है तो पहले एग्जाम इस, इस फिगर से समझते हैं फिर तो अच्छी तरीके से समझ में आएगा या फिगर देख पा रहे हो तो हमारे पास ये बेसिकली सपोर्टिंग टावर है इसके ऊपर एक गाल्टी लगी हुई है इसका मतलब है कि हमारे पास यहाँ पर जो केबल गई हुई है यहाँ पर एंकर केबल है ये तो केबल मूव कर पा रही है ठीक मूव कर पा रही है तो केबल के इस साइड का पोर्सन मीन्स जो केवल सस्पेंशन केबल है उस साइड के जो एंगल को बोलते हैं बेसिकली थीटा एस जो बेसिकली वर्टिकल और टेंजेंट के बीच में बना होता है दिस इज वर्टिकल और जो सस्पेंशन केबल के टेंजेंट के बीच में बना होता है अब एक चीज़ और आप समझिए कि ये आपको जो कर्व दिख रहा है या जो लाइन दिख रही है वो आपको सीधी नहीं दिख रही होगी सी बात है कि सीधी होती नहीं है अगर आप uh, इस फिगर को देखें इस फिगर को देखें तो हमारे पास जो सस्पेंशन केबल है वो एक शेप एक में होती है शेप में होती है इसका शेप पैराबोलिक होता है इसको मैं ड्राइव करके भी दिखाऊंगा कि पैराबोलिक क्यों होता है ठीक है पैराबोलिक इक्वेशन क्वेश्चन आएगी तो आप इधर वाले पोर्शन की बात करेंगे तो सस्पेंशन केबल के इधर वाले पोर्शन को एंकर केबल के लाएगी और इन दोनों में आने वाले टेंशन को हम मान लेते हैं अलग अलग है शुरुआत में लेकिन होगी नहीं ठीक अब शुरुआत में अलग अलग हैं तो ये पुली हमारे तो पास एंकर केबल है, तो ये कर्व होती है तो एक एंगल मान लिया हमने मिस एक टेंजेंट मिस सस्पेंशन केबल के टेंजेंट और वर्टिकल के बीच में जो एंगल है वो थीटा एस है और जो एंकर केबल के और इसके टेंजेंट इसके वर्टिकल के बीच में एंगल है तो थीटा ए है ठीक है और एंकर केबल में आने वाली टेंशन टी ए है और सस्पेंशन केबल में आने वाली टेंशन टी एस है मान लेते हैं लेट्स से ठीक अब इवन जे पुली सपोर्ट है पुलिस सपोर्टेड तो कोई भी हॉरिजॉन्टल यहाँ पर लोडिंग नहीं आएगी क्या बोल सकते हैं अगर हम सिंपल एफ वी डी भी बनाएं तो सिंपल दिख रहा है कि यहाँ पर टी और टी एस की वैल्यू हमेशा बराबर ही होगी तो अगर हम सिंपल बात करें सिंपल बात करें पुलिस सपोर्ट के लिए पुलिस सपोर्ट के लिए बात करें तो टेंशन आ रही है सस्पेंशन केबल में वो इक्वल होगी टेंशन नहीं एंकर केबल यानी कि हम बोल सकते हैं टी एस विल बी इक्वल टू टी ए और लेट से दोनों इक्वल है तो को हम टी के बराबर लिख देते हैं ठीक है टी है अब अब हम वर्टिकल में निकालते हैं वर्टिकल एक्शन क्यों निकालते हैं क्योंकि अल्टीमेटली जो लोड है वर्टिकल नीचे तो जाना है तो मान लेते हैं यहां पर एक वर्टिकल एक्शन प्रोड्यूस हो रही होगी वी ए वी टी मान लेते हैं ये यह यहां मान लेते कहीं मान सकते उसको ठीक है ठीक टी हो रही होगी तो हम अगर लिखना चाहें तो वर्टिकल रिएक्शन तो निकालना चाहें तो वर्टिकल रिएक्शन क्या निकलेगी तो वर्टिकल रिएक्शन ऑन द टॉप ऑफ टॉवर वीटी क्या होगी अगर हम इसका एफ बनाना चाहें अगर हम इसका एफ बनाना चाहें सिंपल तरीके से ये थीटा एस है तो थीटा एस का नीचे कंपोनेंट जा रहा होगा थीटा एस कॉ सीटा टी एस थीटा टी एस कॉ सीटा एस और इसके नीचे जा रहा होगा टी ए कॉ सीटा ए तो यही तो बेसिकली वर्टिकल इलेक्शन होगी मीन्स यही लोड है तो इसके इलेक्शन ऊपर दे रही होंगी तो वर्टिकल इलेक्शन हमारे पास क्या होगी वी की वैल्यू क्या होगी ये होगी हमारे पास टी एस Cos theta s, T A, cos theta. ठीक है तो अल्टीमेटली वर्टिकल रिएक्शन की बात करें तो वर्टिकल रेक्शन भिटी हमारे पास क्या हो जाएगी ये हो जाएगी टी थीटा s इवन टी टी और टी एस सेम है तो टी कॉस हिटाइस प्लस टी थीटा बड़े एंगल अलग अलग होंगे उनको कॉमन भी ले सकते हैं एंगल अलग अलग होंगे तो ये हमारे पास आ गई वर्टिकल रिएक्शन बेसिकली हम एनालिसिस कर रहे हैं तो एनालिसिस का मतलब है कि रिएक्शन को निकालना मूवमेंट को निकालना तो वही हम काम कर रहे हैं सबसे पहले हमने निकाली वर्टिकल रिएक्शन हॉरिजॉन्टल रिएक्शन कुछ होगी नहीं वही टेंशन होगी अब हम निकालने जा रहे हैं हॉरिजॉन्टल रिएक्शन तो हॉरिजॉन्टल रिएक्शन फिर से वही एफ बी डी बनाते हैं हॉरिजॉन्टल रिएक्शन क्या होगा अगर हॉरिजॉन्टली देखें तो टी एस का एक कंपोनेंट इधर होगा अगर थीटा एस ये है तो इधर कंपोनेंट कौन सा होगा टी एस साइन ठीटा एस इधर कंपोनेंट कौन सा होगा टी ए साइन ठीटा ओके अल्टीमेटली अगर हम अगर हम इस डायरेक्शन में बात कर रहे हैं इस डायरेक्शन में इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में हमने बात की ठीक है ये वर्टिकल रिएक्शन ये हॉरिजॉन्टल रिएक्शन तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन वर्टिकल डायरेक्शन बात की तो हमारे पास जो हॉरिजॉन्टल रिएक्शन होगी ठीक तो बैल लिख लेते हैं रिएक्शन ऑन द टॉप ऑफ द टावर ठीक है एस टी हो जाएगी हमारे पास टी साइन थीटा एस माइनस टी ए या टी क्योंकि टी और टी ए सब बराबर ही है टी एस साइन थी ओके ठीक टी को कॉमन ले सकते हैं तो एच की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी ठीक टीटाइन तो ये हमारे पासन निकली है टॉप ऑफ द टावर अब इस टॉप ऑफ द टावर पर आने के कारण इस बॉटम पे एक मूवमेंट जनरेट हो रहा होगा हम जानते हैं कि अगर हमारे पास ये एस टी है मूवमेंट क्या होता है? द फोर्स मल्टीप्लाई वर्टिकल टावर की हाइट तो इस, इस बेस पर एक मूवमेंट जनरेट हो रहा दिस हॉरिजॉन्टल दिसल तो मूवमेंट क्या होगा हमारे पास तो यहाँ लिख सकते हैं हाइट एच है तो बेंडिंग बेंडिंग मूवमेंट एट द बेस विल इक्वल टू द एच टी इन टू एच विल इक्वल टू द टी साइन थी माइनस साइन थी ओके तो ये तो बेसिकली हमारा जो हॉजेंटल रिएक्शन तो मतलब मूवमेंट हमने तो निकाल लिया है अब आप यहां पर एक चीज देख पा रहे हो मूवमेंट की वैल्यू जनली होती है फोर्स टू पर डिस्टेंस पर यहाँ पर, पर फोर्स की वैल्यू आप देख पा रहे होगे काफ़ी हद तक कम हो जा रही है मीन्स यहाँ पर एक डिडक्टिव साइन मीन्स एक माइक नेगेटिव हो रहा है कुछ चीज़ नेगेटिव हो रही है नेगेटिव हो रही है तो ऑटोमेटिकली उस मूवमेंट की वैल्यू काफ़ी हद तक कम हो जाती है तो यहाँ पर मूवमेंट काफ़ी कम हो जाता है इस बेस पर जो जिससे इसकी लोड करिंग कैपसिटी बढ़ जाती है ये तो बात होगी हमारी जो हमारे पास सपोर्ट है जो पुली है बट अगर सपोर्ट हमारा एक सडल पॉइंट होता है तो क्या होता है अब सेटल पॉइंट में सिंपल सी बात हो गई कि यहाँ पर इस इस, इस इसको मूव नहीं कर सकते इस इस को मूव नहीं कर सकते केवल को मूव नहीं कर सकते केवल ये सेटल मूव होगा तो अल्टीमेटली क्या होगा कि जो हॉजेंटल रिएक्शन है वो ज़ीरो हो जाएगी मीनस हॉरिजॉन्टल कुछ नहीं होगा ठीक है तो हॉरिजॉन्टल कुछ नहीं होगा तो इस पूरे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मीन्स अगर हम टी एस कोस्ट साइन थीटा एस और टी एस्ट एस साइन थीटा ए को जोड़ें वो दोनों बराबर निकलेंगे ठीक है तो यहाँ पर क्या लिखना चाहें बेसिकली यहाँ पर कोई हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट नहीं होगा देर फोर यहाँ पर क्या होगा कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जीरो होगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इन दिस केस विल भी जीरो मस्ट भी जीरो तो बेसिकली इसका टी ए का कम्पोनेंट इधर साइड टी एस का इधर साइड बराबर होगा तो ले सकते हैं टी ए साइन टीटा एक्वल टू टी एस साइन टी टा एस इज्क्ल टू एच ठीक है बट यहाँ पर यह नहीं ले सकते कि टी एस इज्क्ल टू टी ए क्योंकि यहाँ पुली मूव सॉरी यहाँ पर केवल मूव नहीं हो रही है बट अगर हम गाइडेड पुली की बात करें तो वहाँ पर टेंशन बराबर होगी बट यहाँ पर टेंशन बराबर नहीं होगी यहाँ उसका कंपोनेंट बराबर होगा या बोल सकते हैं हॉरिजॉन्टल रिएक्शन बराबर होगी तो हॉरिजॉन्टल रिएक्शन निकाल लिए है उसी तरीके से अगर वर्टिकल रिएक्शन निकालना चाहें ठीक है वर्टिकल रिएक्शन निकालना चाहें वी टी तो वर्टिकल रिएक्शन वही सिंपल वही निकलेगा टी ए का कंपोनेंट इधर टी ए थीटा है टी एस कंपोनेंट इधर टी एस कॉ सीटा है तो अल्टीमेटली वी टी निकल जाएगा सॉरी थीटा प्लस टीएस एस ओके तो ये निकल उसी तरीके से अगर मूवमेंट की बात करें मूवमेंट ही सिंपल है एच इन टू एच मतलब कैपिटल एच इंटू स्मॉल एच तो किसी भी वैल्यू को हम ले लेते हैं और किसी भी वैल्यू का एच से मल्टीप्लाई करते हैं तो उस पॉइंट पर मूवमेंट निकल आएगा यहाँ नेगेटिव नहीं हो रहा इसका मतलब है कि यहाँ मूवमेंट की वैल्यू प्रीवियस मेथड से ज़्यादा आने वाली है ओके okay? तो ये बेसिकली हमारी आज की बात होगी जिसमें हमने सस्पेंसन ब्रिज के बारे में समझा उसके कम्पोनेंट के बारे में समझा और जो रिएक्शंस आ रही हैं उनके बारे में समझा माओ हमने रिएक्शंस निकालने एक तरीके की इन द इन द फॉर्म ऑफ बेसिकली टेंसर इन द केबल ठीक है केबल के रूप में जो टेंशन आ रही है अब हम अगले अगले पार्ट में जब एनालिसिस करेंगे तो हम टी ए टी एस के बारे में बात नहीं करेंगे हम सीधे एच और वी टी के बारे में बात करेंगे यानी कि हम सीधे वर्टिकल रिएक्शन इन द इन बेसिकली जो पायलेंस में वर्टिकल रिएक्शन लगने वाली है और जो हॉरिजॉन्टल रिएक्शन वाली है उसके बारे में डायरेक्टली बात करेंगे बट वो वी और वी एच है क्या वो वी और एच बेसिकली टेंशन का कुछ पार्ट है जो हमने अभी डिस्कस किया ठीक है डिस्कस किया तो एक बार इसको दोबारा देख लेते हैं हमने स्टार्टिंग में बात की केबल्स की केबल क्या होता है और केबल का कंपोनेंट क्या होता है बेसिकली सस्पेंशन ब्रिज में मेन जो पार्ट होती है वो केबल ही होती है और उसी का काम होता है आ, हमारे सस्पेंशन ब्रिज में ठीक है ना फिर इसमें देखा कि अगर हम नॉर्मल बात करें सस्पेंशन ब्रिज तो एक ट्रैफिक ज़्यादा ट्रैफिक के लिए ये 200 मीटर का टायर रखते हैं और लाइट में कम ट्रैफिक के लिए हम 300 मीटर का सस्पेंशन ब्रिज रख सकते हैं मैक्सिमम जो सैग होता है वो एल वाई फिफ्टीन से एल वाई टेन के बीच में होना चाहिए इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए बट हम ये बात पढ़ रहे हैं कि इतना ज़्यादा डिप होगी उतनी ज़्यादा उतनी ज़्यादा टेंशन कैरी कप करने की रेजिस्टेंस होगी बट एक परमिशमल पर लिमिट होती है किसी चीज़ की उससे ज़्यादा अगर हम शैगिंग कराते हैं तो वो हमको भी देखने में अच्छा नहीं लगता और लोड कैरिंग कैपेसिटी पे भी दिक्कत देती है या दूसरी तरीके से बात करें वो अन इकोनॉमिकल भी बन जाती है तो एक लिमिट सेट कर दी गई है मैक्सिमम चेक कितना होना चाहिए एलवाई फिफ्टीन से लेकर एलवाई टेन तक इवन सस्पेंशन केबल मिस केवल एक टेंशन मेंबर है जो तो कई मूवमेंट को नहीं रेस्ट कर पाती है तो मूवमेंट को कौन रेस्ट करेंगे अभी हमने देखा कौन रेस्ट किया मूवमेंट को तो वर्टिकल सपोर्ट है जो पायलेंस है ठीक है फिर हमने इन केबल अकेले केबल को इंट्रोड्यूस किया था उसके बाद अकेले केबल के होने के कारण क्या दिक्कत आई अकेले केबल होने के कारण अल्टीमेटली ये दिक्कत आई कि इन दोनों के बीच में मीस वर्टिकल डिफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा आ रहा था तो वर्टिकल डिफॉर्मेशन कम आए उसके लिए हम हैंगर्स को और इस हैंगर्स को और स्टिपनेस ग्रडर को इंट्रोड्यूस किया मींस इसको कम करने के लिए हम हैंगर्स हैंगर्स मींस वर्टिकल सपोर्ट्स होते हैं उसको और एक स्टिफनेस ग्रेडर को प्रोड्यूस करते हैं फिर हमने अल्टीमेटली सस्पेंशन ब्रिज के बारे में कंपोनेंट के बारे में देखा तो ये बेसिकली एक लेआउट है सस्पेंशन ब्रिज का इसमें जो मेन फोर कंपोनेंट है दैट आर दस्पेंशन केबल सस्पेंडर सपोर्टिंग टावर एंड एंकर केबल ओके उसके बारे में हमने बात की फिर हमने अलग अलग दोनों केस के बारे में देखा जिसमें जो रिएक्शंस निकल रही है जो मूवमेंट निकल रही है अलग अलग सपोर्ट का मीन्स जो पायलन पर सपोर्ट लगे हुए हैं गार्डेड पुली और हमारे पास दूसरा सपोर्ट है दूसरा सपोर्ट है हमारे पास सैडल पॉइंट ठीक तो दिस इज ऑल अबाउट टूरिस्ट लेक्चर बेसिकली ये सारा जो फिगर्स था जो वोस्ट्रक्चर पार्ट टू एच्लिकेशन से लिया गया था ओके सो दिस इज़ ऑल अबाउट टूरिस्ट लेक्चर थैंक यू फॉर वॉचिंग